स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल प्राकृतिक ज्ञान में। दोस्तों, आप ये जो प्लांट्स देख रहे हैं ये हेलिकोनिया का प्लांट है और गर्मी से लेकर अभी तक ये फ्लॉरिंग किया हुआ है। और देखिए, आज हम बात करेंगे हैंगिंग प्लांट्स के बारे में, जो बहुत ही सुंदर और सालों भर एवर ग्रीन रहने वाला एक प्लांट है। नाम है इसका क्रीपिंग चार्ली। आप ये देख रहे हैं, मैंने छोटे से हैंगिंग पॉट में इसे लगाया है। और सर्वप्रथम इसकी सॉइल का बात करेंगे तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाइए और ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर सूरज की रोशनी थोड़ी आती हो और हल्की छाँव हो, और ये सालों भर आपका एवरग्रीन बना हुआ रहेगा और काफ़ी सुंदर दिखता है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। और प्रोपगेश का बात करेंगे तो इसकी ये देखिए, ये नोड एरिया है। नोड एरिया से थोड़ा सा आप कटिंग कर लीजिए, नोड एरिया रहना चाहिए, और उसे कोई भी सॉइल में आप लगा दें तो देखेंगे एक या दो दिन में ही आपका ये ग्रोथ पकड़ लेता है। हालांकि इसका डोरमेंसी पीरियड ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हाँ, ठंड के मौसम पे इसका देखेंगे थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाती है और बाकी के समय में इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहती है। एवरग्रीन प्लांट है और सालों भर सुंदर दिखता है। और ये देखिए बेबी टीयर्स, और मैंने छोटे से गमले में लगाया है, ये मिट्टी का है, सेरेमिक पॉट है। और देखिए, मैंने इसमें कुछ आर्ट भी डिज़ाइन किया हुआ है। और इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, काफ़ी स्लो बढ़ता है, लेकिन ये चार्ली, क्रीपिंग चार्ली का प्लांट्स हैं। दिखने में कुछ लोग तो इसे पुदीना का पत्ता कहते हैं कि ये आपने क्या लगा दिया, ये पुदीना का पत्ता है। तो ये पुदीना की तरह दिखता है, उसी की तरह पत्ते दिखते हैं, लेकिन इसके पत्ते थोड़े से गोल होते हैं, गोल गोल और सुंदर दिखते हैं। और काफ़ी इजी मेंटेन प्लांट्स हैं। अगर आप भी हमेशा एवरग्रीन प्लांट्स अपने गार्डन में, अपने बालकनी में, अपने टेरेस में रखना चाहते हैं तो ये क्रीपिंग चार्ली का प्लांट्स अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। लो मेंटेनेंस प्लांट है, दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है और सालों भर एवरग्रीन रहता है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसके पत्ते दिखते हैं। और सबसे पहली बात, इसकी ग्रो करना कटिंग से काफ़ी ईजी है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो।